हाय दोस्तों, केला फ्लेवर चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम तमिल थाली बनाएंगे। ये बहुत सिंपल तमिल लंच रेसिपीज है। इस थाली में मैं एक सिंपल सांबार की रेसिपी दिखाती हूँ और उसके बाद एक कारकुरुम्बु बोलते हैं उसकी भी रेसिपी दिखाती हूँ। फिर तीन टाइप ऑफ साइड डिशेस की भी रेसिपीज है इसमें। अब चलिए देखेंगे ये थाली कैसे बनाते हैं करके। सबसे पहले सांभर के लिए जो दाल को कुक करेंगे हम, ये तुअर दाल है। तुअर दाल को अच्छे से वॉश करके फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे और दो कली लहसुन डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा हींग डालना है। हींग तो मैं पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको पाउडर यूज़ करना है तो वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, बस इतना ही है। फिर कुकर बंद करके हम इसको कुक करेंगे। 2-3 सीटी के लिए वेट करेंगे हम। तब तक हम वेजिटेबल्स कट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक करेला का एक फ्राई बनाने वाली हूँ तो इसलिए उसको कट कर रही हूँ। बीच में से ऐसे कट करके उसके सीड्स निकालेंगे हम। उसके बाद ऐसे राउंड में कट करेंगे। ऐसे राउंड में कट किया तो वो फ्राई करने में अच्छा लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है इसलिए। अब ये सबको एक बर्तन में डालेंगे। उसके बाद टिंडोरा को भी ऐसे ही कट करेंगे। बहुत थिन स्लाइसेस में कट करना है। इसका नाम और कुछ है तो आप कमेंट कर लीजिए, मुझे ऐसा पता नहीं है, बस इसमें लिख के रखा है कि टिंडोरा है करके। अब हम करेले में मसाले डालेंगे। नमक डाला है मैंने, हल्दी डालेंगे, फिर उसके बाद धनिया पाउडर डालेंगे, फिर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज़ किया है। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बेसन पाउडर भी डालेंगे। फिर अच्छे से एक और बार मिक्स करेंगे और वो वहाँ पे रखेंगे। तब तक हमारा जो दाल वगैरह अच्छे से पक गया होगा। अब सांभर में जो जो वेजिटेबल्स चाहिए वो डालेंगे। मैंने यहाँ पे बैंगन डाला है और ड्रमस्टिक्स डाला है और भिंडी भी है, वो हम बाद में डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से कुक करेंगे। हाफ कुक होने के बाद हम इसमें सांबा पाउडर डालेंगे। फिर इसमें इमली डालेंगे, इमली का पानी डालेंगे, नहीं तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करके फिर बॉईल करेंगे। अच्छे से उबालने के बाद फिर हम भिंडी को थोड़ा सा ऐसे फ्राई करेंगे। ये फ्राई किया हुआ भिंडी ये सांबार में डालेंगे। फाइनली थोड़ा सा धनिया पत्ते भी डालेंगे। बस हो गया हमारा जो सिंपल सांबार एंड इजी सांबार रेसिपी है। अब सांबार बनाने के बाद हम इसी जो भिंडी फ्राई किया हुआ वो बर्तन में ही मैं कारकुरुम्बु बनाने वाली हूँ। कारकुरुम्बु बनाने के लिए हम जो तिल का तेल यूज़ करना है। अब मैं ये सुंडा का कारकुरुम्बु बनाने वाली हूँ। तो ये ऐसे शॉप में मिलते हैं सुंडा वट्टल बोल के, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर अचार में डालते हैं नॉर्थ में। अगर ये नहीं है तो बाकी कोई सा भी वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं इसके जगह। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। फिर वही तेल में थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डालेंगे और मेथी का सीड्स भी डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, छोटे ऑनियन डालेंगे और जो नॉर्मल प्याज भी डालेंगे। फिर अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा से कड़ी पत्ते भी ऐड करके। उसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे उसमें, फिर मिर्ची का पाउडर भी डालेंगे। उसके बाद इसमें सांबार पाउडर डालना है। मैं यहाँ पे सांबार पाउडर और ये करी बनाने के लिए एक कारकुरुम्बु मसाला मिलते हैं वो भी डाल रही हूँ। अगर वो नहीं है तो आप बस सांबार पाउडर डाल के भी बना सकते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पर रख के अच्छे से मिक्स करेंगे हम। फिर इसमें टमाटर डालेंगे, फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक ऐसे मिक्स करेंगे हम। अब देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हींग का पाउडर ऐड करेंगे हम। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें इमली का पानी डालेंगे। फिर इसमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट भी डालेंगे और अच्छे से इसको उबालेंगे हम। मीडियम फ्लेम पर रखे इसको ढक के रखेंगे। 3-4 मिनट उबालने के बाद इसको ओपन करेंगे हम। अब इसमें जो फ्राई किया हुआ सुंडा वट्टल डालेंगे। ये डालने के बाद फिर 2 मिनट के लिए ऐसे मिक्स करेंगे और ये थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा होने तक वेट करेंगे और तेल वगैरह ऐसे ऊपर से निकल के आएगा, तब तक ऐसे वेट करना है। और ये कारकुरुम्बु थोड़ा थिक होना चाहिए, ऐसा पानी वाला नहीं होना चाहिए।
अब देखिए ये बहुत थिक हो गया है, ठंडा होने के बाद ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब हम कैबेज का पोरियल बनाएंगे, पोरियल मतलब स्टिर फ्राई है। उसके लिए तेल डालेंगे, फिर उसमें मस्टर्ड सीड डालना है, उसके बाद उसमें जो उड़द दाल डालना है, उड़द दाल को थोड़ा सा ऐसे फ्राई करेंगे हम, उसके बाद कड़ी पत्ते डालेंगे और ग्रीन चिल्ली भी डालेंगे, फिर जो पत्ता गोभी हम ऐसे ग्रेट करके रखा था वो डालेंगे। अब टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और ऐसे ही इसको कुक करेंगे, पानी वगैरह नहीं डालेंगे हम, ऐसे मिक्स करते रहेंगे हम। अगर इसको ढक के रखना है तो वैसे भी कुक कर सकते हैं, ये तो जल्दी कुक हो जाएगा कैबेज। फाइनली इसमें ग्रेटेड कोकोनट भी डालेंगे और बस हो गया है हमारा जो कैबेज पोरियल, नहीं तो कैबेज स्टिर फ्राई बोलते हैं। अब ये भी रेडी हो गया है, ढक के रखेंगे हम। अब नेक्स्ट रेसिपी तिंडोरा का जो फ्राई है, उसके लिए हम तेल डालेंगे और उसमें मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, फिर इसमें लहसुन क्रश करके डाला है और कड़ी पत्ते भी डाला है। इसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद वो तिंडोरा कट करके रखा है वो डालेंगे हम। उसमें नमक डालेंगे, फिर हल्दी डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। ये भी बहुत सिंपल रेसिपी है, लंच के लिए तो ये फटाफट हो जाएगा। इसमें बस मिर्ची पाउडर ही डालते हैं और कुछ नहीं डालना है। अब देखिए ये भी रेडी हो गया है, बस इतना ही फ्राई करना है। ये टिंडोरा वगैरह अच्छे से कुक हो गया तो बस स्टोव फ्लेम बंद करना है। अब हम मेदुवड़ा बनाएंगे तमिल थाली में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेदुवड़ा की रेसिपी तो मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी शेयर किया है, तो उसकी जो लिंक है वो मैं देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और यहाँ पे भी डिस्प्ले करती हूँ। तो इसमें ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम मेदुवड़ा बनाएंगे। और थाली का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ये पापड़, तो इसलिए पापड़ को भी फ्राई कर रही हूँ। और नेक्स्ट इसमें चिल्ली फ्राई करेंगे, चिल्ली मतलब एक ड्राई चिल्ली है और फ्राई करने के लिए मिलते हैं, वो भी शॉप पर ऐसे पैकेट में अवेलेबल रहता है, इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे हम। फिर मेदुवड़ा को भी फ्राई करेंगे। अब हम इसी तेल में करेला को भी फ्राई करेंगे और इसमें लहसुन डाला है क्रश करके और कड़ी पत्ते भी डालना है। ये दोनों पहले ही तेल में डाला तो अच्छा फ्लेवर आएगा, तो इसलिए डाल रही हूँ। उसके बाद करेले को फ्राई करेंगे हम, अच्छे से डीप फ्राई करना है। दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो गया तो हम तेल में से निकालेंगे। बस हो गया है, सारी रेसिपीज़ ख़त्म हो गया है, चावल रेडी है और पापड़ चिल्ली मेदुवड़ा और सांभर भी रेडी है, और उसके बाद जो कारकोरमा रेडी है, तिंदोरा के जो स्टिर फ्राई रेडी है और कैबेज पोरियल रेडी है। रसम तो ऑलरेडी रेसिपी दिखाया है, ये दाल रसम है। फिर कर्ड है, कर्ड भी मस्ट है ये तमिल थाली में। अब देखिए बहुत टेस्टी तमिल थाली रेडी हो गया है, आप सब लोग ऐसे ट्राई करके देख लीजिए, एक वैरायटी हो जाएगा। डेली खाने से थोड़ा अलग खाना खाए तो बहुत टेस्टी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, तो आप सब लोग ट्राई करके देख लीजिए। ट्राई करने के बाद आपके फीडबैक ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।